आजमी साहब को क्या खतरा हो सकता है एक कैदी से मिलने में? वो सिर्फ एक बूढ़ा कैदी नहीं है, माजी का शहंशाह भी है। और आजमी, आजमी उस शहंशाह का बेटा है। फूल को क्यों? हम अभी इस तालाब में गोता लगा के तुम्हारी घनेरी जुल्फों के लिए कमल का फूल निकाल कर लाएंगे। कमल का फूल? हाँ। इस नवाजिश खास की वजह? क्या बताएं, हम अक्सर ये सोचते हैं कि तुम जैसी हसीन दिल फरेब और दीदा जेब कनीज को तो किसी शाही महल में होना चाहिए था। बाहर ही में तो हूँ। ऐसे भतीजे महल में थोड़ी, हमारी सल्तनत को हिनून के उस आला दर्जे के महल में जहाँ हमारे तुम्हारे दरमियान कोई दीवार ना हो। महल कोई भी हो शहजादे, दीवारें हमेशा कनीजों का मुकद्दर रही हैं। है? शुक्रिया, आज आप इतने मेहरबान क्यों हो गए अचानक? कुछ नहीं, यूं ही। वो बात यह है कि असल में हम तो परदेसी यतीम शहजादे हैं ना, माली हालात ऐसे ही जा रहे हैं। जरा एक टूटी हुई 2-2.5 अशरफियाँ होंगी तुम्हारे पास। उधार चाहिए आपको? हाँ, हम हमेशा तुम्हारे शुक्रगुजार रहेंगे। सच कह रहे हैं, बिल्कुल सच कह रहे हैं। तो ये जिससे भी उधार लेते कभी वापस नहीं करते, हमेशा हमेशा के लिए शुक्रगुजार रहते हैं। खामोश गुस्ताख, ये कर्ज तो हम इसलिए ले रहे थे कि इन कर्जों की हौसला अफजाई भी जरूरी है, वरना हम जैसे आला नस्ल के शहजादे अगर उधार भी मांगते हैं तो किसी शहजादी से। एक नेक काम के बाद ये उदासी कैसी अजमी? उस बूढ़े कैदी के पास जाकर उसका नकली बेटा बनते हुए कुछ अजीब सा लगा मुझे। लेकिन शहंशाह मौजम तुम्हारी खिदमत से कितने खुश हैं, ये अंदाजा नहीं है तुम्हें? ये काम मैंने शहंशाह की खुशनूदी के लिए नहीं किया था, सिर्फ इतना चाहा था कि अपने बेटे को सामने पाकर उस मरते हुए बूढ़े में जिंदा रहने की आरजू बेदार हो जाएगी। बहुत खुश हुआ था वो मुझे देखकर, बहुत, जैसे वाकई उसे अपना बेटा मिल गया हो। और ये तमसील गरीब करते हुए ना जाने क्यों एक अजीब सी कसक महसूस की थी मैंने अपने दिल में। कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो गए हो तुम उससे मिलकर। लेकिन जरा सोचो, अपना वो छोटा सा मामूली घर छोड़कर इन खिदमात के सिले में कितने बड़े बड़े मनसब हासिल हो सकते हैं दरबार में। कोई मनसब नहीं चाहिए मुझे, शहंशाहों के दरबार शतरंज की उस बिसात की मानिंद होते हैं जहां हम जैसे लोगों को सिर्फ एक प्यादे का मनसब अदा किया जा सकता है। वो प्यादा जो सिर्फ एक घर आगे बढ़ता है और फिर कभी अपने घर वापस नहीं पलटता। अस्मी, हम छोटे लोग तो बेजान मोहरे होते हैं रूही, खेल तो खेलने वाले खेलते हैं। अब हम खेलेंगे। तुम कैसे खेलोगे? अब मेरी बारी है। बारी किसी की भी हो, जब शहजादे मैदान में आए तो कतारें टूट जाया करती हैं। खेलना है तो रियाए की तरह शराफत से खेलो। खबरदार जो गुल्ली को हाथ लगाया, इधर लाओ डंडा। खामोश, डंडा अगर शाही खानदान के हाथ में हो तो वो लाठी बन जाता है। क्या वो मुहावरा तुमने अभी तक नहीं सुना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस? जब भी हम खेलते हैं तुम वैसे जैसा मुंह उठाए आ जाते हो और ऊपर से बकबक की जा रहे हो, इधर लाओ। हफ्ते अदब शहजादे से मुखातिब होते वक्त शाही अदाब को महूज रखा जाए। अब ऐसा धोबी पटरा मारूंगा कि मुंह के बल गिरेगा। खबरदार, इस हाथापाई की इजाजत नहीं दी जाएगी। अच्छा तो ले संभल। अरे देखो, ये रियाया इत्तेदार के सीने पर मूंग डल रही है। अभी दाल को तड़का लगाया जाएगा। हैं? ये ले। अरे बताओ बताओ, अब्बा हुजूर। शहजादा कहाँ गायब है पढ़ाई के वक्त? क्या हमने अतालीक इसलिए मुकर्रर किया है कि मुफ्त की तनख्वाह तक आता रहे? तो क्या हो गया,
बच्चा थोड़ा खेलने को चला गया तो? हाजिर हो सकता हूँ वालीजा। तुम यहाँ? खैरियत तो है? जी नहीं, शहजादा मोहतरम खासे जख्मी हो गए वालीजा। क्या हुआ, क्या हुआ उसे? क्या हुआ? मलकाए मौसमा, शहजादा मोहतरम धोबी के लड़के के साथ गुल्ली डंडा खेल रहे थे। गुल्ली डंडा? लेकिन इसका ये हाल क्या हुआ? आलीजा, धोबी के लड़के ने इनकी पिटाई कर दी। उसकी ये जुरत, हम हुक्म देते हैं कि धोबी का घर मिसबार कर दिया जाए घर वालों समय। जी सुना नहीं तुमने? जो हुक्म आलीजा, जो हुक्म। मेरा बच्चा, मेरा जान। अम्मी हुजूर, आपका ये चांद ऐसा चकनाचूर हुआ है कि सितारे से फिर रहे हैं आंखों में। शर्मानी चाहिए तुम्हें, एक शहजादा होकर धोबी के बेटे से पिट गए। फकत हम ही नहीं पिटे, उसका भी हश्र कर दिया था हमने। और क्या, ऐसा वैसा नहीं है मेरा बेटा। पूछिए हमें बचाने वालों से कैसा हुआ मुकाबला। हम दोनों आमने सामने थे, जैसे उसने तेजी से थप्पड़ घुमाया, इत्तेफाक से हमारा मुंह आ गया रास्ते में। ये भी होना था, धोबी के बेटे ने थप्पड़ मार दिया शहजादे के। इसी बात पर तो हम आ गए शाही जाहो जलाल में। देखा, उसने जैसे मुक्का मारा, हमने अपने दाएं जबड़े पर रोका। फिर उसने एक और घूंसा मारा, वो हमने अपनी नाक पर रोका। फिर उसने एक जोरदार टक्कर लगाई, वो हमने अपने घुटने पर रोकी। सुन रही हो मलिका? मगर हम पीछे नहीं हटे, फौरन अपनी पेशानी उसकी कोहनी पर मारी, फिर अपनी गर्दन उसके हाथों में देकर झटके दिए। अश अश कर रहे थे तमाशाई। जरूर कर रहे होंगे, जरूर। आखिर वो पीछे हटा, उछला, उछल कर लात मारी, तो हमने अपना सीना आगे कर दिया। ये ठीक है कि हमारी तीन पसलियां चटक गई, लेकिन पांव में उसके भी मोच आ गई। हम कहते हैं बंद करो ये बकवास। ये बकवास है? हम जंगो जदल का हाल सुना रहे हैं कि क्या क्या हुआ था मैदाने कारदार में। लख्त जिगर, तुम जैसे नहीं होते मर्द मैदान, तुम हो मर्द दस्तरखान। खाना जानते हो बस, चाहे वो मार ही क्यों ना हो। काश काश तुम्हारी जगह हमारी एक और शहजादी होती। किसी शहजादी से हम कलाम होने के कुछ आदाब होते हैं दिलावर साहब, यूं उसका रास्ता नहीं रोका जाता। हम तो अपने हर रास्ते पर आपको पाते हैं शहजादी। कुछ भटक गए हैं आप? जी गालिबन अपने वालिद की खैरियत मालूम करने आए थे यहाँ। अगर हमारे अब्बा हुजूर ये महल छोड़कर किसी वीराने में निकल गए हैं, तो हम उनकी याद में आंसू बहाए बैठकर। याद रखिए, जो लोग अपने खून के रिश्ते से प्यार नहीं कर सकते, उनकी नजरों में किसी का भी एहतराम नहीं होता, अपनी बीवी का भी नहीं। शुक्रिया इस नसीहत का, लेकिन वो वक्त तो आने दीजिए। नहीं आएगा। आप जानते हैं कि शहजादा रुस्तम बख्श से हमारा रिश्ता तय हो चुका है। ये जो रिश्ता तय हुआ है, हम इसे तय करके रख देंगे। बड़ी उम्र है इनकी, लीजिए वो आ गए। मंगेतर भाई, मंगेतर भाई, जल्दी आइए। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? ये आपकी मदद चाहती है। कोई क्यों? जी हाँ, ये दिलावर साहब आपको गायबाना धमकियां दे रहे थे। धमकियां? हमें? तुम शायद हमें जानते नहीं। जानते हैं, रुस्तम है आपका नाम, और ये नाम रखने से पहले शायद आपके वालदैन किसी से मशवरा नहीं कर सके थे। खामोश, हम नाम के रुस्तम नहीं, काम के भी हैं। धमकी दी है तो आ जाओ मैदान में, निकालो शमशीर, निकालो। ये बात है, लो सब लो। किसी दिन सही शमशीर लाइएगा किसी अच्छे आहंगर से, गोरख देंगे आपको।
देखा, डर गया हमारी आंखों में हैबत और दहशत का डलाकर। जी हाँ, आंखें छोटी जरूर है लेकिन दहशत बहुत है उनमें। ये तो उसके लिए थी, आप अगर तवज्जो दें तो कुछ और नजर आएगा। क्या? इन आंखों में आपकी तस्वीर, जरा गौर से देखिए, हमारी एक आंख में कुकरे और दूसरी आंख में अपना चेहरा साफ नजर आएगा आपको। ये देखिए। जी हाँ, अब हमारा चेहरा यहीं छोड़िए और अपना चेहरा लेकर दफा हो जाइए यहाँ से। फिर वही चेहरा, ये आपको क्या हो जाता है अचानक? आपकी ये जरूरत कि हम जैसी शहजादी को आंखें दिखाएं? हम आपकी शिकायत कर देंगे शहंशाह मौजम से। तुमने हमारी आंखों में धूल झोंकी बिरादर निस्बती, हमें एक खंजर तोहफे में पेश किया और कहा कई हजार अशरफियों में खरीदा है, जबकि वो खंजर उस बूढ़े सिकंदर का था। जी हाँ, वो बात दरअसल ये कि वो हम साफ साफ बताओ कहां से हथी आया था वो। चलिए बता भी दीजिए, आखिर को आपके दूल्हा भाई हुजूर शहंशाह मौजम दरगुजर फरमा देंगे आपको। अब क्या अर्ज करें दूल्हा भाई हुजूर, वो खंजर हमें रिश्वत में मिला था। रिश्वत में? जब सभी अमाइदीन अपनी रिश्वत में से हमारा हिस्सा हमें पहुंचाते हैं तो तुमने हमें साफ साफ क्यों नहीं बताया? है? हमने तो अपनी तरफ से आपको तोहफा देकर खुश करना चाहा था, लेकिन हमें क्या मालूम था कि खुद हमें परेशानी हो जाएगी। असल परेशानी तो यह है कि बूढ़े कैदी ने जो खंजर अपने वारिसों को दिया था वो किसी और के पास कैसे पहुंचा? तुम्हें खंजर की रिश्वत देने वाला कौन था बिरादर निस्बती? चूल्हा था, गरीब सा, तो यकीनन उसने कहीं से चोरी किया होगा, वरना ये इतना कीमती खंजर कैसे आ सकता है चुलाई के पास? उस खंजर के चुराने पर मुझे पछतावा तो है बेगम साहिबा, लेकिन कुछ उम्मीद भी है कि शायद अजमी साहब वो खंजर वापस ले सकें। चमकी बता रही थी कि अब वो शाही लोहार खाने के मुंतजी में आला है। उसके ओहदों से ज्यादा तमानियत मुझे इसकी है कि इतनी बुरी जगह रहकर भी वो अच्छा रहा। ये भी अच्छा ही है कि उस महल से आने वाले सोने को मैंने हाथ नहीं लगाया। अगर उन अशरफियों को पिघलाया जाए तो जाने उनसे कितने मजबूरों का लहू टपके। ऐसा न कहिए बेगम साहिबा, दौलत वो शहंशाह की सही, लेकिन आपके शहजादे ने तो मेहनत से कमाई थी। वैसे भी आप माली तौर पर परेशान हैं, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ, मेरे पास भी अब कुछ नहीं रहा। वक्त यहाँ होता तो कुछ सहारा मिल जाता, लेकिन वो भी महल में पहुँच गया। मुझे तो ये हैरत है कि मेरे लोहार खाने के एक मामूली मुलाजिम का उस महल से क्या रिश्ता? रिश्ता हमने निभाया था। जी हाँ, खुद शहंशाह मौजम की फरमाई थी कि उन्हें घर दामाद बनाने के लिए ऐसे शहजादा मिल जाए जो आला खानदान से हो, ज़हीन हो, हसीन भी हो। तो ऐसा शहजादा क्यों नहीं मिला उन्हें? मिल जो गए हमसे ज्यादा किसमें होगी खानदानी वजाहत, सबाहत, मलाहत, नकाहत और हिमाकत। जी हाँ, हमारा मजाक उड़ाने की कोशिश ना करो रकीब रूसिया, क्या तुम नहीं जानते कि मलका आलिया और बिरादर निस्बती हमारे हक में हैं? और शहजादी रूही? उनका तो ये हाल है कि हमारे बेदार होने से पहले तशरीफ ले आती है कि हम उनके चेहरे पे आंख खोले। अच्छा? हाँ, एक मुर्तबा कहीं चली गई 3 दिन के लिए, हमने आंख ही नहीं खोली। सुना है महल में काफी लोग आपको ले जाने के लिए आए थे कि जब ये आंख खोले तो हमें दे देना। तमीज से बात करो, किस चीज से मिसाल दी तुमने, समझा क्या है हमें? समझ गए हैं तभी तो कह रहे हैं, अपनी औकात में रहो बख्तू। हद अदब, बहुत उड़ चुके हो ऊंची हवाओं में,
अब अगर अपने मुकाम पर आ जाओ तो बेहतर है। क्या कहना चाहते हो तुम? तुम्हारी और अजमी की सारी गुफ्तगू सुन ली थी हमने, जानते हैं कि तुम्हारी हैसियत क्या है। नकली शहजादे हो तुम। वाकई तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया शहजादे दिलावर को? सिर्फ आपकी वजह से साहब जी, आपकी वजह से। आप मुझे मेरी हैसियत बता रहे थे, उसने गुजरते हुए सुन लिया। ठीक है, अगर मैंने सच बोल दिया तो क्या हुआ? जरूरत क्या थी महल में सच बोलने की? किसी और को बोलते देखा कभी? यहाँ तो दीवारों के कान है और रोशनदानों के मुंह। चलो ठीक है, अगर उसे तुम्हारी असलियत का पता चल ही गया है तो तुम्हारे ख्याल में क्या करेगा वो? कुछ नहीं करेगा, बस जरा टहलता चला जाएगा शहंशाह मौजूद के पास, और वो भी कुछ नहीं करेंगे, बस जरा मुझे सूली की लटका देंगे, और हो सकता है कि मेरी खाल खिंचवा के भूस भरवा दें और नुमाइश में रखवा दें कि भाई ये चीज खुदाई में से निकली है। जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ, मगर तुम चाहो तो हालात को संभाल सकते हो। जरा नरमी और प्यार से दिलावर को काबू करो। खुशामद करना पड़ेगी साहब जी, खुशामद। कदमों में लोटन कबूतर बन जाऊंगा, वरना वो ये राज खोल देगा शहंशाह मौजूद के सामने, और कौन नहीं जानता उनका गुस्सा। हमारा गुस्सा भी अजीब है और हमारा प्यार भी। हम जिन लोगों पर मेहरबान हूं उनके लिए शाही खजानों के दरवाजे खोल दिया करते हैं। जी जी, शहजादा मोहतरम ने बताया था मुझे एक बार। और तुमने शायद हमारी महल सरा का मुआयना नहीं किया? जी नहीं। काबिल-ए-दीद मुकामात में शामिल है वो, ऐसी आशायशों का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। खूबसूरत कमरे, बादब कनीजे, कौन सी नेमत है जो हमारी मलिकाओं को मैसर नहीं? क्यों नहीं, क्यों नहीं, आखिर आप इतने अजीम शहंशाह हैं, लेकिन मुझे किस लिए आपने यहां तलब फरमाया था? गालिबन तुम्हें यह खुशखबरी सुनानी थी कि मौर्रिख की तनख्वाह में इजाफा कर रहे हैं हम। आखिर बेटी की शादी के लिए कुछ तो रकम दरकार होगी बेचारे को। अच्छी, कौन तुम? आदाब अब्बा हुजूर, हम जरा परेशानी में आए हैं। कैसी परेशानी? वो कहना ये था कि कहना ये था कि आपकी 26वीं मलिका पर कुछ अजब दौरा सा पड़ गया है। क्या हुआ उन्हें? फरमाती हैं अपने कमरे की दीवारों से सर टकरा टकरा के जान दे देंगी। दरअसल हमारी एक मलिका जरा जज्बाती हो जाती है कभी कभी। कैसे ना हो, 16 साल हो गए मैके जाने की जिद कर रही है। क्या 16 साल से मैके नहीं गई वो? वो दरअसल उन बेचारी को मालूम ही नहीं कि उनके वालिदैन इंतकाल फरमा चुके हैं। अब उन्हें ये बताकर सदमा तो नहीं पहुंचा सकते। जब उनके मुल्क में माँ बाप ही ना हो तो किससे मिलने जाए वो? माँ का तो पता नहीं, बाप के बारे में मालूम है उन्हें? क्या मालूम है? कमरे के झरोके से उनकी कब्र साफ नजर आती है महल के अहाते में। कब्र का क्या जिक्र है यहाँ? हम तो उनका जज्बा बता रहे हैं। अपने अब्बा मरहूम से अकीदत का ये आलम है कि रोजाना शाम को कतबे पर फूल चढ़ाती है वो। मगर यहाँ कैसे हो सकती है उन मलका के वालिद की कब्र? अब्बा हुजूर की आदत है हर नई मलिका से शादी पर रुखसती के वक्त उसके वालिदैन को भी साथ मंगवा लेते हैं एहतियातन। इस तरह मलिका के मैके आने जाने का खर्चा बच जाता है। जरूरी नहीं है कि तुम हमारी आदत इस मौके पर बयान करो। हम तो आपकी बचत की तारीफ कर रहे हैं अब्बा हुजूर। कौन है जो हमारी तारीफ नहीं करता? जब ही तो हमारी तमाम मलिकाएं इतनी खुश है हमसे। और क्या, 37 की 37 नहीं नहीं, 2 तो फारिग हो गई पिछले दिनों, 35 की 35 मलकाएं इतनी खुश हैं कि अब हम क्या बताएं। अभी परसों हमारे अब्बा हुजूर ने एक मलिका को 13 साल बाद शर्फ मुलाकात बख्शा,
तो दरवाजे पर इन्हें देखते ही इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई कि वहीं खड़े खड़े दम निकल गया। हम कहते दबा जाओ यहां से। इजाजत चाहती हूँ अलीजा। ठहरिए ठहरिए, बेवकूफ गधा कहीं का। फरहाना फरहाना, अब तुम यहां कभी मत आना। अभी तुम्हारे अब्बा फरहाना को आवाज दे रहे थे क्या? जाहिर है, अपने माजी को तो आवाज देने से रहे। हाय मेरी किस्मत, जिस दिन ये फरहाना कमबख्त इस महल में आई थी मेरी आंख उसी दिन फड़क गई थी कि कोई ना कोई गुल जरूर खिलेगा। हमारे होते हुए कोई गुल नहीं खिलेगा, अब्बा हुजूर की उम्मीदों के चराग गुल हो जाएंगे। वो कैसी? हमें जंगल में एक बाबा जी ने टोटका बताया था, बहुत ही दाफे बल्लियात किस्म का, हर आफत टल जाती है। अच्छा? जी हाँ, और वो टोटका हमने पढ़कर अब्बा हुजूर पर फूंक दिया है। यूं समझिए कि वो अब नजरबंद हो जाएंगे। नजरबंदी भी और आजादी भी, हम समझे नहीं दूल्हा भाई। हुजूर, हम उस बूढ़े शहंशाह को महल के तहखाने से निकलने की आजादी इसलिए देना चाहते कि वो यकीन कर ले कि हम उसे जिंदा और खुश देखना चाहते हैं। और इस खुशी के लिए उसके नकली बेटे अजमी से उसकी मुलाकातें भी कराई जाएंगी। जाहिर है, जाहिर है। और फिर छुप कर उस बूढ़े की गुफ्तगू सुनी जाएगी कि वो बेटे को अपनी खुफिया दौलत के बारे में क्या बताता है। तुम ठीक समझे, और ये काम मुशीर खास अंजाम देगा। उन्हें फुर्सती कहाँ है अपनी आराम तलबी से, अब देख लीजिए अभी तक हाजिर नहीं हुए। इस मुशीर खास का मिजाज दुरुस्त करना ही पड़ेगा। आप क्यों बरहम होते हैं दूल्हा भाई? हुजूर, ये खिदमत भी हम अंजाम दे लेंगे। ठीक है, अजमी को इस मुलाकात के लिए तैयारी कराओ और जल्लाद को हुक्म दो कि पूरे शहंशाह को बाग की सैर के लिए तहखाने से बाहर निकाल। अब्बा हुजूर, बेटे तुम्हें भी जिंदा से रुख्सत मिल गई। ये वक्ती रुख्सत है, रुख्सती नहीं। दुआएं दो शहंशाह मौजम को कि उन्होंने तुम दोनों को इतनी आजादी दे दी कि तुम ताजा हवा में सांस ले सको और एक दूसरे से हाले दिल बयान कर सको। लेकिन खबरदार, फरार होने की कोशिश ना करना। हाँ, ख्याल रहे, यहां फासले पर चारों तरफ शमशीर बकफ सिपाही मौजूद हैं। यहां सिर्फ तुम्हारे होठों को हरकत की आजादी है, कदमों को नहीं। समझे? आओ। अब्बा हजूर, ये पाबंद आजादी की कुछ कम नहीं है। इतने बरसों के बाद महल के तहखाने की घुटन से बाहर निकल गए, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? कुछ अजीब सा लग रहा है। सर पे खुला आसमान है और पांव तले जमीन तंग है। लेकिन यही बहुत है कि आपके बेटे को आपसे मिलने की इजाजत दे दी है शहंशाह मुअज्जम ने। मत कहो उसे शहंशाह मुअज्जम, मैं हूं शहंशाह और तुम शहजादे हो। फिलहाल तो हम दोनों कैदी हैं। तुम्हारी माँ का पता जानने के लिए मारपीट तो नहीं कर रहे हैं ये लोग? जुल्म तो बहुत होता है अब्बा हुजूर, लेकिन मैं जुबान नहीं खोलूंगा। शाबाश, मेरे खानदान में कोई तो ऐसा हो जो उस जालिम के हलके ताजीर से बाहर। लेकिन आप उस जालिम के कैदी कैसे बन गए अब्बा हुजूर? माँ ने अभी तक नहीं बताया तुम्हें? जी जी नहीं। अच्छा ही किया, वरना तुम्हारे दिल में आग भड़क उठती अपने बाप को कैद से छुड़ाने के लिए। तुम्हारी माँ ने शायद तुम्हें खतरे से बचाना चाहा। जी हाँ, शायद। उस वक्त तुम बहुत छोटे से थे जब उस जालिम ने महल्ला की साजिशें शुरू की थी।
दामाद का ताल्लुक उमूर सल्तनत से है उनमें दखल देने का कोई हक नहीं है तुम्हें। आप ही की नजर करम ने इस गुलाम को इस मुकाम तक पहुंचाया है मलिका आलिया। अगर आपकी सिफारिश पर शहंशाह मुअज्जम ने मुझे मुशीर खास मुकर्रर कर दिया है तो क्या इतना भी हक नहीं है मुझे? शहंशाह मुअज्जम तशरीफ ला रहे हैं। क्या हुआ मलिका, तुम्हारा मिजाज कुछ बरहम देख रहे हैं हम। क्या बात है मुशीर खास? हमसे पूछिए, इन्होंने आपकी इजाजत के बगैर आपके महल के तमाम महाफिज तब्दील कर दिए हैं। अगर दुश्मन चाहे तो आसानी के साथ। दुश्मनों के मुंह में खाक मलिका आलिया, ये जानिसार किस लिए है आखिर? लेकिन वो महाफिज तो बहुत वफादार और जाबाज थे मुशीर खास, उन्हें क्यों और कहां तब्दील कर दिया तुमने? आलीजा, सरहदों पर कुछ शोरिश हो रही है, एक बहादुर दस्ते की जरूरत थी वहां सिपाह की रवानगी में शामिल करने के लिए। अगर आपको इस नाचीज पर एतमाद ना हो तो वापस बुला लिया जाए उन्हें। नहीं नहीं, रहने दो, तुमने कुछ सोच समझ कर ही फैसला किया होगा। इस इज्जत अफजाई के लिए गुलाम सिपाह गुजार है शहंशाह मुअज्जम। मलिका, तुम तो नाहक बदगुमान हो रही हो मुशीर खास की जानिब से। बहुत जहीन है ये। जरूरत से ज्यादा। हमने इसकी सिफारिश करके गलती की थी शायद। वो कैसे? आपकी शराफत और नरमी से फायदा उठाकर इसने आपके चंद मुतमिद भी अपने साथ मिला लिए हैं। हमें इस महल की फजाओं में साजिशों का धुआं फैलता नजर आ रहा है। क्या कह रही हो मलिका, हमारा मुशीर खास और साजिश करेगा हमारे खिलाफ? जी हाँ, और आपने उसकी तरफ से आंखें बंद कर रखी हैं। हमारी मलिका ने ठीक ही कहा था, आने वाले तूफान का अंदाजा लगा लिया था उन्होंने। अब्बा हजूर, जैसा कि आपने बताया है, अगर आपकी मलिका, मेरा मतलब है मेरी अम्मी हजूर, ने आपको साजिशों के बारे में आगाह कर दिया था तो आपने कोई इकदाम क्यों नहीं किया? हमने महीनों की तारीख फरामोश कर दी थी बेटे, कि यहाँ दोस्तों को अपने करीब लाते हुए भी एक शमशीर का फासला जरूर रखना चाहिए। जी हाँ, सही फरमाया आपने। हमर बेल उसी पौधे का रस चूसती है जो उसे परवान चढ़ाता है। इख्तदार के लुगत में दोस्ती और दुश्मनी के दरमियान कोई और लफ्ज नहीं होता। तो उस बूढ़े के एक एक लफ्ज में शहर की तलखी थी। जी हाँ दूल्हा भाई हुजूर, आपके बारे में साजिश जैसे नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल कर रहा था वो। और कोई काम की बात कही उसने? जी नहीं, बहुत चालाक बुरा है, अपनी जबान तक नहीं खोली अपनी खुफिया दौलत के बारे में। खुल जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, आखिर को बाप है, कब तक ये राज छुपाएगा अपने बेटे से? वाह, ये जंजीरें और ये जख्म देखकर तो कोई भी नहीं कह सकता कि तुम एक कैदी नहीं हो। ये जख्म तो नकली है रूही, उस बूढ़े मजलूम से मिलकर तो यूं लगता है जैसे एक नया जख्म अंदर कहीं लग गया। जब मैंने उसे नजर भर के देखा तो यूं लगा जैसे टूटे हुए आईने में अपना अक्स देख रहा हूं। दो मुलाकातों में इतनी हमदर्दी हो गई तुम्हें उसे? हाँ, अच्छा लगने लगा है मुझे। मौत की लहरों में डूबते हुए एक शख्स को जिंदगी के साहिल तक लाना एक नेकी जरूर है। लेकिन खलिश सी है कि शहंशाह मौसम आखिर क्या चाहते हैं मुझसे? मामू हुजूर ने बताया तो था कि शहंशाह मौसम के कुछ दुश्मनों का पता उसके पास है, शायद वो बता दे। और मैं शहंशाह मौसम को बता दूंगा, फिर क्या अंजाम होगा उनके दुश्मनों का? कत्ल करा दिए जाएंगे वो, और उनका खून मेरी गर्दन पे होगा। अच्छा मत बताना, तुम्हारी इस तमसीलगरी से बहुत खुश है शहंशाह मौसम। कोई अच्छा लम्हा देखकर बात तो करो उनसे। बहुत जल्दी है तुम्हें? हाँ,
इसलिए कि आजकल बहुत मेहरबान होते जा रहे हैं शहजादा दिलावर। वाह वाह बहुत मजा आ रहा है। हाँ अभी तकल्लुफ कर रहे हैं भाईजान, हम तो कहते हैं सुबह दोपहर शाम तीन खुराक चंपी रोजाना करा ले दीजिए। खुराक पर हमें याद आया बख्तू, अगर शहंशाह मौज़म तुम्हें प्याले में कोई चीज पीने को दे तो मत पीना। क्यों? वो जहर होगा। जहर? जहर क्यों देने लगे हमें शहंशाह मौज़म? अब देखो ना, कहीं गलती से हमारे जबान से तुम्हारी असलियत के बारे में कुछ निकल जाए तो यही होगा तुम्हारे साथ। खुदा के लिए अपनी जबान को लपेट के रखिए, भूले से भी ना निकल जाए कोई बात, वरना शहंशाह मौज़म हमें जहर भी इस अंदाज से देंगे जैसे घोड़े को फूंकनी से दवा पिलाई जाती है। एक तो ये बड़ी मुश्किल है कि तुम्हारा जिंदा रहना भी जरूरी है। जी हाँ बहुत जरूरी है भाईजान, अभी तो हमारे शेरे के फूल भी निकले किसी क्यारी में। तुम हमारे रकीब भी तो हो। कौन रकीब? कैसा रकीब? शहजादी की शादी आपसे होगी भाईजान, हम तो उनकी डोली को कंधा देंगे, पूरे 40 कदम तक जाएंगे हम। ये तुम्हारा खुलूस है कि हमारे रास्ते से हट रहे हो, लेकिन शहंशाह मौज़म को कैसे मना करोगे? और उनकी मलिका और ब्रादर निस्बती भी पसंद करते हैं तो। ये तो है, उन्हें कैसे समझाएंगे हम? आप ऐसी तरकीब कीजिएगा सांप भी ना मरे और लाठी भी टूट जाए। नहीं नहीं नहीं, लाठी भी मर जाए और सांप भी ना टूट। नहीं फिर गलत। बस बस बस, एक तरकीब आ गई है जहन। क्या 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 क्या? तुम खब्तुल हवास बन जाओ। हैं अब्दुल हवास, जैसे जैसे आसिफ का असर हो हम पे, ऐसे शख्स से शादी कौन करेगा जो चांदनी रातों बकरा बन जाता हो, है ना भाई? ये बात की ना तो मिलाओ हाथ। हुजूर वाला, आपसे एक जरूरी बात करना है। क्या बात? कह दो कह दो, इन्हें अपना ही समझो। या बिल्कुल अपना, आप कहें तब आपकी चंपी कर दे, बहुत अच्छी करेंगे हम। ये आप मजाक फरमा रहे हैं शहजादा मौज़म? हैं? जरा तशरीफ लाइए हुजूर वाले, ये कासिद बड़ी दूर से खुफिया तौर पर आया है और आपसे अलीदगी में बात करना चाहता है। हम आते हैं। ये भी होना था, हमें भूल जाइए शहजादी, अब हम वही बख्तू हैं। हाँ तारीख अपने आप को दोहरा रही है। तारीख आपके तकल्लुम की मुंतजर है आलिजा। अब तक क्या लिखा तुमने? शहंशाह मौज़म ने फरमाया कि वो इतने रहमदिल नेक और मेहरबान है। ये क्या लिख दिया तुमने? शहंशाह मौज़म ने फरमाया, अब हमारी तारीफ हमारे मुंह से अदा की जाएगी, किसी और की जानिब से नहीं लिख सकते थे तुम। अभी मिटाया देता हूँ, गलती हो गई आलिजा। एक समझदार मौर्रिख को हाथों के अलावा सर से भी काम लेना चाहिए। कलम की गलती कभी कभी सर भी कलम करा दिया करती है कलमकारों का। राम कीजिए हुजूर वाला, आइंदा सारी तारीफें रियाया के नाम से लिखी जाएंगी। बहुत खूब, तो क्या लिखा? रियाया कहती है कि शहंशाह मौज़म इतने रहमदिल नेक और मेहरबान है कि बूढ़े कैदी बादशाह को हर तरह का आराम पहुंचाया और वो बीमार हुआ तो उसे रिहा कर दिया गया। अच्छा तो रिहा हो गए वो? नहीं हुए जी, मगर अभी तो आपने फरमाया कि वो नहीं। ये तो तारीख है, जो आप फरमाएंगे वही लिखा जाएगा। इजाजत चाहता हूँ आलिजा। आइए आइए शहजादा दिलावर, कैसे हो मसाए? आपकी इनायतों के जेर साया हूँ आलिजा। क्या आप हमें तखलिया इनायत फरमाएंगे? क्यों नहीं मौर्रिख, आज की तारीख कल पर उठा रखी जाए। जो हुक्म आलिजा। आलिजा शहजादा मौज़म आपसे खुसूसी गुजारिश करना चाहते हैं। तो इन्हें एक मसाइब के वसीले की जरूरत क्यों पेश आ गई? मौज़म शहजादे अपना रिश्ता पेश करते हुए आदाब को मलहूज रखते हैं आलिजा। रिश्ता? आप हमारे शाही खानदान से अच्छी तरह वाकिफ हैं शहंशाह मौज़म। हमारी ख्वाहिश थी कि ये रिश्ता ना सिर्फ दोनों खानदानों को बल्कि मुमलिकतों को भी करीब ले आए। हम तो पहले ही अक्सर मुमलिकतों को इतने करीब ला चुके हैं कि अब उनकी सरहदों के निशान भी बाकी नहीं रहे, लेकिन आपने रिश्ते की जो गुजारिश की है तो
आप यकीनन शहजादा रुस्तम बख्त का जिक्र फरमाएंगे कि उनसे ये रिश्ता तय हो चुका है। हाँ, जाती तौर पर हम उनसे ज्यादा आपको पसंद करते हैं क्योंकि आपके ख्यालात हमसे बहुत ज्यादा मिलते हैं, मगर मजबूरी यह है कि उनसे शहजादी की शादी करके आप मजबूर हो जाएंगे आलीजा। एक खब्तुल हवास शख्स आपकी शहजादी के गले का तौक हो जाएगा। क्या मतलब? उन्हें दौरे पड़ते हैं। क्या? कुछ अजीब आसिब लेसन है। जानी रातों में ऐसे महसूस होता है कि जैसे बकरा बन गए हैं वो। ये क्या कह रहे हैं आप? हमसे तो कभी किसी ने इस खौफनाक बात का जिक्र ही नहीं किया। हो सकता है किसी दिन आप खुद भी मुलाहिजा फरमाएं। कल रात वो छत पे बैठे चांद से बातें कर रहे थे। अच्छा, अगर ये दुरुस्त है तो हम उनसे कैसे कर सकते हैं अपनी शादी की तैयारी? अजमी, अजमी, खूब तो ऐसी पुरानी पुरानी किताबें पढ़ी जा रही हैं, हम क्यों ना उचक लें किताब? किसी खुली किताब की तरह उस बूढ़े को पढ़ लो अजमी। उससे ये जानने की कोशिश करो कि उसकी खुफिया दौलत कहां पर है। जी, खुफिया दौलत? मेरा ख्याल तो ये था कि आप उससे अपने छुपे हुए दुश्मनों के बारे में मालूम करना चाहते हैं। ओहो, छुपे हुए दुश्मन हो या खुफिया दौलत, उसके सीने में छुपे हुए राज उगलवाओ। अगर हम खुश हो गए तो जरो जवाहर में तौल देंगे तुम्हें। आलीजा, जरो जवाहर की कोई आरजू नहीं है मुझे। अगर इल्तफात फरमाना है तो हाँ, कहो। तो इस नातराशीदा पत्थर को आबोताब बख्श दीजिए शहंशाह मौसम। हम समझे नहीं, क्या कहना चाहते हो तुम? इस खाकसार को अपने कदमों से उठा के वो मुकाम दे दीजिए जो शाहजादों को हासिल होता है फर्जंदी के रिश्ते से। फर्जंदी का रिश्ता? क्या हमारी समाज हमें धोखा तो नहीं दे रही है? अभी तुमने रिश्ते की बात की है हमसे? मेरी जरूरत में शहजादी रूही की पसंद भी शामिल है आलीजा। शहजादी का नाम लेने से पहले तुमने सोचा है कि इस महल में क्या हैसियत है तुम्हारी? तुम्हारे खाने से महल का फासला जानते हो तुम? जी आलीजा। गुस्ताखी करने का हौसला कैसे आया तुम्हें? लतकुशाई की है तुमने। बोलो हम क्या सलूक करें तुम्हारे साथ? जल्लाद को बुलाए कि नौ की शमशीर से शहजादी का नाम तुम्हारे दिल से खुरच दे, क्या उन सिपाहियों के हवाले कर दे जिनके घोड़ों के कदमों तले मौत जाने वाली लाशों के चेहरे नहीं पहचाने जाते। एहसान करने वालों के साथ शहंशाहों का यही सुरुख होता है तो मैं हाजिर हूं आलीजा। सकता था अजमी, तुमने हमारी शहजादी की जान बचाई, हमारे लिए और भी खिदमत अंजाम दी, इसीलिए हम तुम्हें उस अंजाम तक नहीं पहुंचाएंगे जहां इबरत के सिवा और कुछ नहीं रह जाता। गोविंदा की सोच कर बोलना कि महलों में लफ्जों का कफारा जबान को अदा करना पड़ता है। अम्मी हुजूर, अभी किताब खोली ही नहीं कि आपने फरमाइश कर डाली। अरे क्या रखा है इन मुई किताबों में, जब देखो दिमाग खपाती रहती हूँ।
आदाब। अब्बा हुजूर, मिजाज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है आज। अरे इनका क्या है, ये तो जब देखो मुंह लटकाए आते हैं। ए बेटी, तुम जरा सरसों के तेल का प्याला तो ढूंढो, एक तो कम बखत मारा ये तेल अच्छा नहीं मिल रहा है आजकल। तो बेहतर ये था कि अपने बाप का कोलू भी ले आती जहेज में अपने साथ। यहाँ कोलू चलता, बैल घूमते और खालिस तेल मुहैया हो जाता आपको। अब्बा हुजूर, आज आप कुछ नाराज हैं क्या? अरे किसी आठवीं दसवीं बारहवीं बीसवीं मलिका ने कान भर दिए होंगे। अभी तो तेल देखो और तेल की धार देखो। फिर वही तेल वाला मुहावरा। ये क्या, ये तुम क्या कर रही हो, क्या है ये? जी ये किताब पढ़ना चाह रही थी। लड़कियों के लिए कोई जरूरत नहीं है किताबों की। पहले अदाबे मेजबानी सीखो। महल में एक मेहमान शहजादा दिलावर इतने दिनों से आया हुआ है, कोई इतना भी नहीं है कि उसे महल, कुतुबखाने और बागात की सैर करा सके। ये सरसों का प्याला कहाँ गया? भार में गया। पहले बेटी की फिक्र करो। क्यों, क्या हुआ उसे? पैगाम आ रहे हैं उसके लिए। चलो, शहजादा दिलावर ने पैगाम दिया, वो उसके अहल भी हैं। लेकिन वो आदमी आहंगर, उसने भी पैगाम दे दिया हमारी शहजादी के लिए। हाँ, गलती की मैंने। मुझे अपना मकाम और अपनी हैसियत देख कर बात करना चाहिए थी शहंशाह मौसम से। लेकिन एक इंसान के हाथों दूसरे इंसान की इतनी तजलील भी हो सकती है, ये मैंने कभी सोचा भी ना था। रूही, ये सब हमारी वजह से हुआ आजमी। हमें नहीं मालूम था कि वो इतना भड़क उठेंगे। ए लोग, आज सरसों के तेल का खाली प्याला यहां पड़ा है। हाय, ये क्या? हम हाजिर हो सकते हैं? आओ बेटे, तुम यहां कैसे? शहंशाह मौजम ने अभी फरमाया है कि इस महल में बहुत बड़ा कुतुबखाना बनवाया उन्होंने, और हमें बागात से पहले उसकी सैर करना चाहिए। अरे यहाँ पता नहीं क्या क्या है इस महल में। एक तो यही चीज मेरी समझ में नहीं आ रही है, जरा देखना क्या है ये। दौलत नगर, बस्तानिया, बसपा चमनपुर। कुछ अजीब सा नक्शा है, गालबन कोई शिकारगाह। जंगल के आगे दायरे के निशान से तो यही जाहिर होता है। तुम्हारी समझ में नहीं आएगा बेटे, मेरा भाई बड़ा जहीन है, वही बताएगा इसका मतलब। ये इतने गौर से क्या देख रहे हैं आप ऐसी बेकार सी चीज को? आपकी समझ में नहीं आएगा, ऐसी चीजों को जानने के लिए शाही जहानत जरूरी है। मिल गया। क्या हुआ, क्या मिल गया? दूल्हा भाई हुजूर, पता मिल गया। ये कागज हमशीर आजीजा ने हमें दिया, वह कमरे में पड़ा था। मगर किस चीज का पता है ये? आपकी मंजिल का, बूढ़े शहंशाह की छुपाई हुई खानदानी दौलत का। दौलत? सच कह रहे हो तुम? गलत फहमी हो गई आलिजा इनको। अगर ये इतनी अहम चीज है तो फिर आपके खाबगा के फर्श पर क्यों पड़ी हुई होती? ये तफ्तीश बाद में कर लेंगे, मगर आप देखिए, आप देखिए। जैसा वो पूरा शेर जो उस जमाने में इस्तेमाल करता था, यही बूढ़े की खुफिया दौलत का पता। और आप कहते थे ये बेकार चीज है। कभी कोई अच्छी बात नहीं निकली तुम्हारे मुंह से, कभी कोई सही मशवरा नहीं दिया तुमने। तुम इस काबिल नहीं हो कि मुशीर खास के ओहदे पर फाइज रहो। आलीजा, हम इस ओहदे से माजूर करते हैं तुम्हें। हुजूरे वाला, दूर हो जाओ हमारी नजरों के सामने से। सुना नहीं आपने?
कितनी आसानी से मिल गई मुझे, जिसके लिए सारी जिंदगी इंतजार किया हमने। मगर ये कागज हमारे कमरे में कैसे आया? अब्बा हुजूर ने किताब हमारे हाथ से लेकर फेंक दी थी और वो अहम कागज उसी में था। जरूर वो अब तक शहंशाह मौसम को मिल चुका होगा। ऐसी क्या खास बात थी उसमें? वो जो कुछ भी था एक अमानत था। उस बूढ़े कैदी ने अपना बेटा समझ के एक चीज मेरे हवाले की थी और मैं उसकी हिफाजत ना कर सका। अब मैं उस बूढ़े का सामना नहीं कर सकता रूही, जिसे मैंने अपना बाप कहा था। शहंशाह ने मुझे माजून कर दिया है और अब मैं ये मुल्क छोड़ जाऊंगा। क्या कहना चाहते हो? एक ऐसी बात जिसे सुनने के लिए शायद हौसला ना हो आप में, शहंशाह ने आपको धोखा दिया है। क्या मतलब? जो नौजवान शहजादा बनकर आपके पास आया था वो आपका बेटा नहीं है। क्या?